श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दीपावली की पूर्व संध्या पर आज सहयोग फाउंडेशन और रमणीय ढिलाल जी ने मिलकर एक नया प्रयास, एक शुरुआत करने की कोशिश की, जिसके अंतर्गत हमने लक्कड़ मंडी गांव के लोगों के बीच जाकर, जो शहर से बहुत ज्यादा जुड़े नहीं है, उनका बीच जाकर दिवाली का त्योहार मनाया। इस प्रयास में हमने सब वहाँ के लोकल लोग उनको इकट्ठा करके, जो शहर शायद सिर्फ अपने काम से आते हैं और उनका शहर के लोगों के साथ कोई ज्यादा मिलना जुलना नहीं है, उन्हें एकत्रित किया, उनके साथ लक्ष्मी गणेश पूजन किया, वहाँ के बच्चों को दीपावली के सही मायने समझाए, सही अर्थ समझाया, मिठाइयाँ बांटी और पटाखे और दीप जलाकर दीपावली के त्योहार को मनाया। और मेरा विश्वास कीजिए, ऐसा दीपावली का त्योहार शायद ही हमने जिंदगी में, जिसके लिए ऋषभ घई और अक्षत भी मेरे साथ अग्री करेंगे कि ऐसा खुशियों वाला दिवाली का त्योहार हमने आज तक नहीं मनाया। उन चेहरों की खुशी, उन बच्चों के चेहरों की हंसी ने हमें समझाया दीपावली के सही मायने क्या है। मेरी आप सबको शुभ दीपावली, जय श्री। नमस्कार, वीरा ब्लॉग्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि हमने इस बार दिवाली के एक दिन पहले कैसे दिवाली सेलिब्रेट की, लक्कड़ मंडी गांव में जाके उन सब के साथ मिल के, उनको मिठाइयां बांट के, बच्चों के साथ एक बहुत बड़ी आतिशबाजी करके। तो चलिए आपको मैं लेके चलता हूँ लक्कड़ मंडी, और कैसे हमने क्या किया, कैसे सेलिब्रेशन किया, कितने दिए जलाए, क्या किया, सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए अब पैकेजिंग करते हैं। मैंने बाज़ार से पटाखे, दिए और ये ले लिए थे, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मैं रमने की तरफ से ले रहा हूँ, ये जो मेरा एनजीओ है रमने ढलाउजी, और जो मिठाई एंड अदर थिंग्स हैं वो लेंगे मिसेस प्रिया गंदोत्रा, जो कि संयोजक है, महिला विंग संयोजक है सहयोग फाउंडेशन की। तो मैंने ये पैकेजिंग कर ली है पटाखों की, अभी कुछ सामान बच चुका था लेने को, तो अब मैं मार्केट से लूँगा। तो मैंने गांधी चौक मार्केट से सामान लिया, और अब मैं इसको गाड़ी में डाल के, ये हमारी कार है, ये भैया है हमें, ये दीदी है रमणिया से, ये मिसेस प्रिया गंधोत्रा उनका बेटा। चलिए हम निकलते हैं लक्कड़ मंडी की ओर। तो ये डीपीएस होते हुए हम जा रहे हैं लक्कड़ मंडी, जो कि ढलाउजी से आई थिंक 12 किलोमीटर दूर है। तो ये जो रास्ता है लक्कड़ मंडी तक का, ये खुद में बहुत ही सुंदर है। ये आता है मेरा स्कूल जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, ढलाउजी हिल टॉप स्कूल, जो बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है। मैं आपको जब वापस आएंगे हम, तो मैं दिखाऊंगा ढलाउजी पब्लिक स्कूल और हिल टॉप स्कूल के दिवाली के दिन कितना अच्छा डेकोरेट किया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है, यहाँ पे काफ़ी सैलानी आते हैं। बट दिवाली है तो ऑफकोर्स दिवाली हर कोई घर पर मनाना चाहेगा, इसलिए आज सैलानी यहाँ पर दिख नहीं रहे। सच में हमारे लिए भी एक बहुत अच्छा न्यू एक्सपीरियंस था कि दिवाली के एक दिन पहले दिवाली मनाना, एक ग्रुप दिवाली मनाना बहुत ही मनोरंजक था और मनोरंजक होगा। तो अगले साल से हम इसको और बड़े लेवल पे मनाएंगे। एनी हाउ, इस साल हमारा फर्स्ट इनिशिएट था कि लक्कड़ मंडी के लोगों के साथ दिवाली मनाएं। तो ये टाइम है, सनसेट का टाइम होने वाला है, तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर पूरा का पूरा ये जो पहाड़ है ये गोल्डन रोशनी में ढक गया है। चलिए अब पहुंच चुके हैं हम लक्कड़ मंडी। तो अब यहाँ पे हम अपनी कार पार्क कर दी है, सब पटाखे फोड़ेंगे। जैसे हमें देख के पहले उतर गए थे, बच्चे बहुत खुश थे, बच्चे बच्चों ने जब हमें देखा, बच्चों के मुंह से बस एक ही आवाज थी, पटाखे पटाखे पटाखे, बम मिठाइयाँ, वो बहुत एक्साइटेड थे। ये इस तरफ इनका घर है, नीचे की तरफ ये लगभग 100 से 150 फैमिलीज हैं, बट अभी ये माइग्रेट हो जाते हैं नीचे प्लेन्स में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी कोई 50-60 फैमिलीज हैं, लगभग 150 से 200 लोग होंगे यहाँ पे। तो ये इनके एक बहुत छोटे से और सुंदर से घर हैं,
जो कि काफ़ी वॉर्म होते हैं। जैसे कि दिवाली हम इनके साथ मनाने आए थे, तो दिवाली हम सबका त्यौहार हुआ, तो सभी बच्चे लग गए हैं दीपक जलाने के लिए। हमने लगभग 500 के आसपास दीपक लेके आए थे इनके लिए, और बच्चे तेल लगा के उसमें जल्दी जल्दी बाती लगा रहे हैं दीपक जलाने के लिए, और क्योंकि हम सबका त्यौहार है तो मिलके मनाना है। और मैंने भी दीपक जला दिया है माँ लक्ष्मी और श्री गणेश जी के आगे। और अब टाइम था पूजा का, क्योंकि माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा के बिना ये दीपावली मनाई नहीं जाती। बहुत मायने इनकी पूजा के जो हमने यहाँ के लोगों को बताए। और अब हम पूजा पाठ करके अपनी दिवाली शुरू करेंगे। दिया था कि जब जब मेरी पूजा होगी साथ में गणपति जी की पूजा होगी, इसलिए हम गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। और लक्ष्मी धन है, धन का कोई मोल नहीं, जब तक उस धन को कैसे खर्च करना है हमें ये नहीं पता। और जो गणपति जी है वो ज्ञान के दाता है, तो धन और ज्ञान दोनों बहुत जरूरी है, इसलिए हम लक्ष्मी या गणेश की पूजा करते हैं। अमावस्या कल के दिन होगी, एक तो हमें पता है जो हम दीपक जलाते हैं तो उस अमावस्या की बहुत पावरफुल अमावस्या होती है, तो इस पावरफुल अमावस्या को कम करने के लिए, उसका जो दुष्ट प्रभाव है और काली शक्तियों का जो दुष्ट प्रभाव है उसको कम करने के लिए हम लाइटें लगाते हैं, दिए जलाते हैं कि घर में वो काली शक्तियों का प्रभाव ना पड़े। राम जी तो आए थे तो हम दिए जलाते थे। ये हिंदू जो धर्म है ये बहुत साइंटिफिक है, जो हिंदू धर्म है बहुत साइंटिफिक है। देखिए राम जी भी 20 दिन बाद पहुंचे अपने अयोध्या में, लोगों ने खुशी के दिए जलाए। दूसरा क्या हुआ, अमावस्या होती है सबसे बड़ी साल की, तो उसको खत्म करने के लिए ये पूजा की जाती है। देखो सबसे ज्यादा जो पूजा की जाती है वो दिवाली वाले दिन की जाती है। सबसे ज्यादा अगर हमें रोशनी कभी दिखती है वो न्यू ईयर में नहीं दिखती है, वो लोहड़ी में नहीं दिखती है, वो अदर फेस्टिवल में नहीं दिखती है, वो दिखती किसमें, दिवाली में दिखती है। और हम सब बहुत खुश है कि हम आप सबके बीच में दिवाली मना रहे हैं। और मेरे साथ मेरे ख्याल से यहाँ से विशाल जी हैं, यहाँ से जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव है, तो क्योंकि हम तो यहाँ पे हर परिवार को नहीं जानते हैं, हम आप सबके लिए एक मिठाई का डिब्बा लेके आए थे। तो क्योंकि दिवाली है, जब तक दिवाली के दिन मिठाई ना खाओ दिवाली पूरी नहीं होती है, तो मैं विशाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके माध्यम से हम एक एक परिवार को एक डिब्बा दें। पर विशाल जी मुझे दिख नहीं रहे सामने, विशाल जी प्लीज आप आगे आके एक एक डिब्बा आप नाम लीजिए तो भाभी देते जाते हैं। और आज छोटी दिवाली नहीं, हम सबके लिए बड़ी दिवाली है। शुभ दिवाली, हैप्पी दिवाली। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, आप सबको जय श्री राम, 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 जय श्री राम। गणपति बप्पा मोरया, हम सब मेरो वो आनी चाहिए, दिवाली मना रहे हम, ये नहीं के इकट्ठे हुए हैं, दिवाली मनाने इकट्ठे हुए थे। जो ठीक है, ठीक है, ओ ए बड़े उछालो। Happy New Year.
इस तरह बहुत इंजॉय के साथ हमने इनके साथ दिवाली मनाई। अब वापस आ रहे हैं तो देख रहे हैं डलहौजी हिलटॉप स्कूल कितने अच्छे से डेकोरेटेड है, दोनों तरफ इन्होंने लाइट्स लगाई हैं और बहुत लंबी जो लाइट्स लगी हैं, जो लाइट्स बल्ब हैं, तो ये पूरे एरिया को अट्रैक्टिव कर रहे हैं। और अब आती है बारी डलहौजी पब्लिक स्कूल की, इन्होंने भी अपने दोनों तरफ बल्ब लगाए हैं, पूरे 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर के एरिया में इन्होंने बल्ब वाले लाइट्स लगाई हैं। बहुत सुंदर लग रहा है ये एरिया और इस तरीके से डलहौजी में हमने दिवाली मनाई। मुझे उम्मीद है क्योंकि हमें दिवाली मनानी, दिवाली का कैसा फेस्टिवल है जो खुशियों का फेस्टिवल है। दिवाली ना मेरी है ना तेरी है, ये हम सब की दिवाली है। तो आप सब भी कभी ट्राई कीजिए कि आप अकेले खुद ना मना के ऐसे लोगों के साथ मनाएं
जो आपके साथ दिवाली मना के खुशी मनाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी और श्री गणेश जी आप पे हमेशा अपनी दया करें। धन्यवाद।